तो सभी दोस्तों को नमस्कार। आज आपके सामने छोटा सा सॉल्यूशन लेके आए हैं। खासतौर से ये सॉल्यूशन आपका तब काम आएगा जब आपको किसी बहुत नैरो स्पेस से अपनी व्हीलचेयर निकालनी हो। अब मान लो कभी आपको ट्रेवल करना है, किसी होटल में आप रुके हैं और उस वॉशरूम का जो डोर है वो मान लो केवल 20 इंच का है, तो उस कंडीशन में आप फिर परेशानी में पड़ जाएंगे, आपकी व्हीलचेयर वॉशरूम में अंदर नहीं जा पाएगी। दूसरी बात, जब आप एसी कोच में होते हैं तो गैलरी में तो आपकी व्हीलचेयर चली जाएगी आसानी से, ऊपर चढ़ने के बाद फिर जब आप अंदर जाते हैं अपने सीट की ओर तो वहां पे भी एक और डोर होता है कि उस डोर को क्रॉस करने में फिर आपकी व्हीलचेयर वहां पे अटक जाएगी। तो ऐसी स्थिति में जब भी आपको नैरो स्पेस से अपनी व्हीलचेयर निकालनी है तो ये टेक्निक आपके काम आएगी, फिर चाहे वो वॉशरूम में जाना हो या ट्रेन में जाना हो। ठीक है, ये रियर व्हील बाहर हो गया, ये दोनों रियर व्हील बाहर हो गए। ठीक है, अब हमारी पूरी व्हीलचेयर पीछे एंटी टिपर पे और आगे कैस्टर व्हील पे टिकी हुई है। अब आप देख सकते हैं कि हमारी जो व्हीलचेयर की विड्थ है वो केवल 16 इंचेस रह गई है, मात्र 16 इंच। तो ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि अब हमारी व्हीलचेयर उस कम से कम स्पेस से भी निकल सकती है जो 16 इंच के बराबर है। 16 इंच है, 17 इंच है, 18 इंच है। ब्रेक फ्री सॉल्यूशंस Brought to you by Project Discovery, supported by Enable India and Google.